हाय गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइज, बात करने जा रहे हैं आज हम हिंदी वर्णमाला और वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान और कौन कौन से क्वेश्चन से यहाँ से बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं बता दूंगा, अगर इस ये पेज में अगर विस्तार में नहीं जाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि आपको सिर्फ दिखाऊंगा फॉर्मेट और आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसमें कि आपको ये वाला जो पूरा का पूरा PDF है आपको मिल जाएगा, जो क्वेश्चन के आंसर हैं। मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूँगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ किताबों में 45वीं वर्णमाला मानी जाती है। तो इस देख सकते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 45 है, लेकिन टोटल वर्णमाला की कुल अक्षरों की बात करेंगे तो 52 होती है, क्योंकि जो बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। तो इस तरीके से देख लीजिएगा यहाँ पर सारे के सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर आप पढ़ना है तो टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा या आपको पिक में मिल जाएगा तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके, जिससे कि सब लोग एक अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ BEO में, सुपर टेट, जूनियर प्राइमरी सुपर टेट में, जूनियर सुपर टेट में और UP TET सी टेट के लिए बोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ में, और जिन एग्जामों में हिंदी आती है उनके लिए बहुत, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। सो गाइस, इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हमें जो है सॉल्व कर देंगे यहाँ पर। सो गाइस जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। अब गाइस इसमें 12 13 11 14 ऑप्शन दे रखे हैं, तो अब बहुत कन्फ्यूजन होगा कि आपने पिछली वीडियो में 11 लगा 13 लगाएं इसमें क्या 11 लगाएं। तो गाइस मैं बता दूं, इसमें जिसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका 11 होगा। क्यों? कि इसमें स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है, कुल स्वरों की संख्या की बात करेगा उस टाइम पर 13 होती है, क्योंकि दो अयोग भाव होते हैं वो भी स्वर होते हैं, 11 प्लस 2 हो जाते हैं 13। तो इस तरीके से जो 13 कुल स्वरों की संख्या आएगी, अगर स्वरों की संख्या की बात करता है तो 11 संख्या यहाँ पर होगी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है, तो मूर्धन्य वर्ग, कंठस्थ वर्ग, ओष्ठ्य वर्ग या तालव्य वर्ग, तो कौन सा वर्ग यहाँ पर होगा। सो गाइस यहाँ पर मैं बता दूँ, इसका राइट ऑप्शन है डी है, तालव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का ग च फ ध्वनि किस दुनिया किसकी हैं, तो ये किसकी हैं, संस्कृत की हैं, फारसी, अरबी, अंग्रेजी या दक्षिणी भाषाओं की, तो किसकी हैं ये। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर ए है, ये संस्कृत की हैं, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत से ही उत्पत्ति हुई थी हिंदी की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मूर्धन्य व्यंजन है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, च छ ज झ त थ द ध ट ठ ड ढ प फ व व, तो कौन सा वर्ड इसमें इसका जो मूर्धन्य व्यंजन होंगे। सो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी है, एंड ट ठ ड, ये वाला राइट ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है, सो गाइस ए के उच्चारण स्थान का कौन सा नाम है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है तालव्य, कंठ तालव्य, दंत्य कंठोस्थ, तो कौन सा इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन बी है, इसका कंठ तालव्य, जो ए के उच्चारण स्थान है वो कंठ तालव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, इसमें जो ऑप्शन है स श ग स, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। तो गाइस कमेंट करके अपना बताते जाइए, गेस करते जाइएगा अपने तुरंत के तुरंत क्वेश्चनों को कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो जिससे क्या होगा आपकी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम टाइम में टाइम बहुत कम मिलता है, जिससे कि एक बार देखने पर ही आपको आंसर क्लैरिफाई करना होगा, तभी आप अच्छे से मार्क्स लेके आ पाएंगे किसी भी एग्जाम में। तो जल्दी जल्दी की थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है, तो गाइस किससे बनता है, ये आपको गायं, जायं, गायं और का ग, इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। सो गाइस सोच लिया होगा आपने अपना आंसर, कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है बी है, जा और यहाँ जो होता है वो राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द में कोश शब्द कौन सा शब्द पहले आएगा, तो शब्द कोश में कौन सा आएगा, असम्यक, असमंजस, असहमति या असमर्थ।
सो गाइस मैं बता दूं, सिंपली है यहाँ पर शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी होता है, और डिक्शनरी में जब भी आप मोबाइल में अभी बहुत ज़्यादा यूज किए होंगे तो जितने भी वर्ड मीनिंग आते हैं, पहले ए आएगी, फिर वी, फिर सी, इस तरीके से जो क्रम होता है, अगर बी नहीं है तो ए के बाद सी आ जाएगी, तो इस तरीके से व्यंजन होते हैं। ऐसे ही हिंदी की शब्दमाला में पहले आ आएगा, आ के बाद में फिर उसके बाद आएगा, तो पहले दो दो शब्द देखेंगे, जैसे आशा, आशा दोनों सब में इससे पहले कौन सा वर्ड आएगा, वो वाला वर्ड इसमें सबसे पहले होगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखने की। अब देखो पूरा माँ है यहाँ पर, यहाँ पर आधा माँ है सब में, माँ के बाद में हा आता है, तो इस वाला असमंजस वाला जो है ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेटली ही देखेंगे ए से ज्ञा तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, तो किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, डा ठा या वा ग घ वा ध, तो कौन सा राइट आंसर है। सो गाइस इसका राइट आंसर जो है वो बी आंसर है, या और वा होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वा व्यंजक है, तो व्या कौन सा व्यंजक है, ऊष्मक, महाप्राण, अंतस्थ या अघोष। सो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी होगा, ये अंतस्थ व्यंजन होता है। वह हमारी वीडियो की प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है व्यंजन वाली, तो उसमें पूरी वर्णमाला का सार एक वीडियो में दे दिया गया है, एक चार्ट के माध्यम से, वो वीडियो जाके देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, और हिंदी के वर्णमाला से शायद ही क्वेश्चन आपका कोई बचेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो इसमें से कौन सा स्वर नहीं है, तो आप ऑप्शन देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। सो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, यहाँ क्योंकि आई, आ से अंग तक ये सारे वर्ड आते हैं, तो ये स्वर होते हैं, और जो यहाँ वाला है ये वाला वर्ड नहीं होगा, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, वी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आप संयुक्त व्यंजन की बात करें तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा, आपने बता दिया होगा, इसका राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, फा जो होता है वो ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो कौन से कंठ तालु से बोला जाता है, ओ ए ह छ, तो कौन सा बोला जाता है, एक बार बोल के प्रैक्टिस करके भी देख लिया करो, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि ये ऑप्शन राइट हो सकता है। तो कंठ से, कंठ और तालु से बोला जाता है, तो ए जो वर्ड होता है वो कंठ और तालु से बोला जाता है, इसका राइट ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है, तो टा वर्ग में कौन सा शब्द नहीं है, तो टा वर्ग के सारे वर्ड आप पढ़ के देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद में ऑप्शन दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, आसानी रहेगी। जो धा वर्ग, वो धा होता है वो टा वर्ग का नहीं होता है, सारे वर्ग पांच वर्ग होते हैं, तो पांचों वर्ग के जो वर्ड एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ नहीं होगी। प्रीवियस वीडियो देख लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और सभी फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो स्पर्श व्यंजन आप समझ गए होंगे कौन सा होते हैं, और मैंने पूरा का पूरा बता दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर डी होगा, जो छाया वो स्पर्श व्यंजन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो लिखित भाषा, व्याकरण, लिपि या क्रिया, तो जो भाषा के शुद्ध ज्ञान किससे प्राप्त होता है, वो हमेशा शुद्ध ज्ञान जो प्राप्त होता है वो व्याकरण से होता है। आप कोई भी भाषा सही, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, जब तक व्याकरण नहीं आएगी तब तक शुद्ध भाषा आप नहीं लिख पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है, तो ऊष्म ध्वनि कौन सी है, तो सिंपल है, ऊष्म के जो व्यंजन होते हैं उसी में ऊष्म ध्वनि होगी। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, सा वाला होता है, उसमें ऊष्म ध्वनि होती है, स स स हा में। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताएं कैसे वीडियो लगी आप लोगों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, उनमें कोई भी प्रभाव नहीं होता, तो सिंपल है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द स्वर कहलाते हैं, जिनमें कोई रोक टोक नहीं होती है, और इनसे जो मिलके बनते हैं शब्द उनको हम व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में संयुक्त सुर कौन से हैं, तो वर्णमाला में संयुक्त सुर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे, आ आ ई ए औ आ ई, तो कौन सा वर्ड है, तो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर सी है, ए ओ जो होता है वो संयुक्त वर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किन दो स्वरों से मिलकर बना होता है, तो ये जो बनता है शब्द वो किन दो शब्दों से मिलकर बनता है, तो इसका राइट आंसर सी है, जो कि ए आ और छोटी ए से मिलकर बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, या वर्ण का उच्चारण स्थान है तो कौन सा उच्चारण स्थान है इसका, तो यावर का। तो अगर आप ग्राफ देख लेंगे एक बार तो क्लियर हो जाएगी, तो हमारे वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, इसका जो या वर्ग होता है वो तालु से बोला जाता है, तो तालु वर्ग का हो, तालु उच्चारण इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या वर्ण का उच्चारण स्थान है तो या जो वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, उसका भी जो तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक के है, तो कौन सा वर्ण है। सो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका या है, जो तालव्य और नासिक है, तो या वाला जो वर्ड होता है इसमें जो क्वालिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ड ओस्टेज नहीं है। सो गाइस, कौन सा ऑप्शन नहीं है। सो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन है वो टा है, इसका टा वाला जो वर्ड है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ड क्या कहलाते हैं, तो क वर्ग के सभी वर्ग क्या कहलाते हैं, तो वो आपको बताना है। तो तालव्य, कंठस्थ, मूर्धन्य, दंत, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको बता देंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिए कैसी वीडियो लगी और किस टॉपिक पर आपको चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट मिल पाए, और जूनियर सुपर टेट, प्राइमरी सुपर टेट और यूपी टेट, सी टेट से रिलेटेड प्रत्येक न्यूज़ आपको मिल पाए यहाँ पर। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, और जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। सो गाइस, बाय।